नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम रिव्यू करेंगे वन प्लस का नोट N10 5G। अब वन प्लस क्लेम करता है कि ये वन प्लस की तरफ से आने वाला सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन है। हालांकि अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, तो इसकी प्राइसिंग का बताना अभी संभव नहीं हो सकता है। तो बढ़ते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो इसमें 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अब बढ़ते हैं इसकी स्क्रीन की तरफ। तो इसमें आपको मिल जाएगी 6.49 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन है 1080p और जो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। कलर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें अभी सिर्फ एक ही कलर देखने को मिलेगा, जो कि है मिडनाइट आइस। और अगर इस कलर की और फिनिश को देखा जाए तो वैसे तो बैक जो है फ़ोन का पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है, लेकिन इसमें जो फिनिश है काफ़ी ग्लोसी दी हुई है, काफ़ी शाइनी है और देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देती है। बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसको मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला 690 प्रोसेसर, जो कि ऑक्टा कोर है, पेयर्ड विद 6GB RAM एंड 128GB स्टोरेज, विच कैन बी एक्सपेंडेबल अप टू 512GB। अब पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो आपको सिम स्लॉट मिलने वाला है, वो आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, डेडिकेटेड नहीं है। जिसका मतलब ये है कि आप एक टाइम पे या तो दो सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक सिम कार्ड और एक SD कार्ड यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं इसके कैमरा सेटअप की तरफ। रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाएगा, जिसमें पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, और दूसरा जो कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का, और बाकी के जो दो कैमरा है 2-2 मेगापिक्सल के हैं, मैक्रो और डेप्थ। साथ में एक LED फ्लैश भी मिल जाती है आपको। और फ्रंट में अगर बात कर लें तो फ्रंट में इसको पंच होल कैमरा मिलता है, जो कि 16 मेगापिक्सल का है। अब इसकी अगर हम फोर क्वालिटी की बात कर लें, कैमरा क्वालिटी, तो अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। आप इसकी फ़ोटोज़ से या वीडियो से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई रहेंगे, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ये वन प्लस का फ़ोन है, तो इसे ऑक्सीजन OS मिलता है 10.5, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 10 पर, तो लेटेस्ट वर्जन है। बात कर लेते हैं इसके सेंसर्स की। तो इसको सभी सेंसर्स मिल जाते हैं जिनका आपको यूज़ है, यानी कि सारे सेंसर्स जो कि आपके काम आ सकते हैं वो सब इसमें मिल जाते हैं, आपको सेंसर्स की तो कमी होगी नहीं। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो इस समय तो हमारे इंडिया में 5G है नहीं, तो 5G कनेक्टिविटी का हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर 4G की बात करें तो अच्छा खासा कनेक्टिविटी मिल जाती है। इंटरनेट स्पीड अच्छी मिल जाती है, आपको कॉलिंग अच्छी मिल जाती है, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात होने वाली है। अब पढ़ते हैं सिक्योरिटी की तरफ, मतलब कि फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक की तरफ। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट है, टैप करते ही आपका फ़ोन अनलॉक हो जाता है। और अगर फेस कैमरा की बात कर लें तो फेस कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। अब इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है, मेरे हिसाब से वो 20 से 25 हज़ार के बीच में ही होगी, क्योंकि 5G फ़ोन है, सस्ता नहीं होने का इस समय। तो अब देखते हैं कब इंडिया में लॉन्च होता है, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।